मैं कमलेश आपकी थाली में करती हूँ आपका स्वागत। आज हम बनाएंगे फाइबर से भरपूर बाजरे की रोटी, बच्चों के लिए भी हेल्दी, बड़ों के लिए भी हेल्दी। और इसमें आप जानते हैं फाइबर और विटामिन और मतलब बहुत ही अच्छा है। बहुत ही सर्दियों के मौसम चल रहा है, जैसे कि फरवरी मार्च तक हम आराम से बाजरा खा सकते हैं, तो देरी ना करते हुए बनाते हैं बाजरे की रोटी। तो हम यहाँ पर 2 कप लेंगे आटा, इसमें मैंने डाला नमक, या फिर आप जितना आपको आटा चाहिए उतना ले लें, हल्का निवाया पानी। तो इसको हल्के हाथ से हम इसको गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते हुए हल्के हल्के हाथ से हम इसको गूंदेंगे। तो बाजरे का जो आटा है हम थोड़ा थोड़ा पानी करके ही गूंदते हैं, क्योंकि जो मक्के का आटा है वो थोड़ा ज़्यादा पानी सोखता है और जो बाजरे का आटा है थोड़ा कम पानी सोखता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए हमने इसको आटा लगा लेना है। तो बाजरे का आटा थोड़ा सा हम टाइट लगाते हैं, हल्का टाइट होता है, तो इस तरह से हम इसको गूंदते हैं, यानी कि तोड़ते हुए हम आटे को। बाजरे का आटा और मक्के का आटा सेम तरीका होता है गूंदने का, इस तरह से गूंदेंगे हल्का हल्का पानी लगाते हुए। आपको यहाँ पर आटा जितना आप रोटी बनाते हैं उसी हिसाब से टाइट या फिर लूज जैसा रखना है आप रख सकते हैं। तो बाजरे का जो आटा होता है इसको गूंदने के लिए ये हथेली का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हाथ की हथेली है ना, इस वाली हथेली से इस तरह से आटा तोड़ते हुए हम रगड़ते हुए आटे को तैयार करेंगे। तो जब भी हमारे जो बाजरे का आटा है इसके अंदर लोच आता है और रोटियां फटती नहीं हैं। इसको आप चकला बेलन से भी बेल सकते हैं और आप इसको हाथ से भी रोटी बढ़ा सकते हैं, कि जिससे भी आपका मर्जी हो आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 3 रोटियां बताऊंगी किस तरह से बनती है। तो ये मैंने एक नॉर्मल रोटी बनाई है, इसको मैंने हाथ से सिंपल सॉरी मैंने इसको पलोथन से थोड़ा सा बनाया था बेलन से, तो मैं वो मेरे से वीडियो की जो क्लिप है ना मतलब डिलीट हो गई। तो मैं आपको अभी दूसरी रोटी बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हम दूसरी रोटी बनाएंगे, इसको मैंने हाथ से ही बढ़ाया है। आप यहाँ पर चाहे पानी का हाथ लगा लें या फिर पलोथन का। तो मैंने थोड़ा सा बाजरे का हाथ लगाते हुए आटा और इस तरह से हम हाथ से रोटी सेक लूँगी। तो इस तरह से रोटी मैंने बढ़ा ली हाथ से, बढ़ाता इस तरह से हथरेटी से हम रोटी को बढ़ाएंगे। तो थोड़ा मेरा कैमरा नीचे रह गया, तो ये देखिए हमारी रोटी काफ़ी अच्छी बढ़ चुकी है। तो आपने यहाँ पर आटा उसी तरह का लेना जिस तरह से आप गेहूं की रोटी बनाते हैं, यानी कि जैसे आप लूज आटा पसंद करते हैं तो आप लूज ले लें, अगर आपको टाइट आटा की रोटी पसंद है तो आप टाइट आटा भी बना सकते हैं। और इस तरह से हम एक गैस, हमने दूसरी गैस ऑन की है और इससे मैं अच्छे से इसको चारों तरफ से किनारियाँ सेकते हुए रोटी को सेक लूँगी। बाजरे की रोटी जितना अच्छी क्रिस्पी सिकती है उतना ही खाने में टेस्टी लगती है। तो ये देखिए मेरी रोटी फूल चुकी है, देखिए आप देख सकते हैं मेरी रोटी काफ़ी फूल चुकी है। और इसको भी मैं एक तरफ से रख दूँगी, इसमें मैं यानी घी लगाकर इसको मैं रख दूँगी और मैं अब दूसरी रोटी की तैयारी करूँगी। यहाँ पर ये रोटी मेरी सिक चुकी है और मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह से मैं चकला बेलन से रोटी बनाई थी। तो इस तरह से हम थोड़ा सा पलोथन लगाएंगे और बेलन की सहायता से इस तरह से आप चकले के ऊपर आटा रख कर और इस तरह थोड़ा सा पलोथन लगाते हुए जैसे गेहूं की रोटी बनाते हैं ना उस तरह से बना लें। लेकिन गेहूं की रोटी में थोड़ा सा जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है, ये बहुत हल्के हाथ से हमको बेलनी पड़ती है, नहीं तो ये टूट जाती है। और इस तरह से हम दूसरी रोटी भी सेक लेंगे और यहाँ पर मेरी दूसरी रोटी भी मैंने इसको जैसे हमने पहली रोटी सेकी थी हल्की आँच पर, इसी तरह से हम लो टू मीडियम आँच पर ही इसको रोटी को सेकनी है। और ये भी काफ़ी अच्छी फूल चुकी है और इसके अंदर मैं लगाऊंगी लोनी घी। और लोनी घी लगाते हुए मैंने यहाँ रोटी तैयार कर ली है और ये देखिए इसको मैं सर्व करने वाली हूँ चने के साग के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चने का साग बनाया और मक्के की सॉरी बाजरे की रोटी इसके अंदर मैंने पूरा भर के इसमें घी डाला है। तो फ्रेंड्स कैसी लग रही है मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।